ए सुना है तू सलार का रिव्यू देने जा रहा है? पता है ना देवा आ रहा है। प्रशांत नील और प्रभास की मच अवेटेड मूवी सालार आज फाइनली रिलीज हो गई है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि प्रशांत नील की प्रीवियस मूवी KGF 1 और KGF 2 वॉज अ ब्लॉकबस्टर मूवी, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन इस मूवी से कई गुना ज़्यादा थी। तो क्या सालार उस एक्सपेक्टेशन को मैच करती है या फिर सालार KGF के बराबर की मूवी है? अगर सीधा जवाब चाहिए तो बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कहानी बताने के लिए तुम्हें स्टोरी का बेस बनाना पड़ता है, लेकिन बिल्डअप करने के लिए पूरा फर्स्ट हाफ कौन लगाता है भाई साहब? देवा आएगा, देवा किसी को हाथ नहीं लगाता, देवा सिर्फ अपनी माँ की बात मानता है। जब तक तुम ये कॉन्टेक्स्ट समझोगे तब तक इंटरवल आ चुका होता है और तुम सोचते रह जाते हो कि अभी तक हुआ क्या है मूवी में। खैर, इस मूवी का सेकंड हाफ वॉज मच बेटर देन इस फर्स्ट हाफ, लेकिन फर्स्ट हाफ में जितना बड़ा बिल्डअप बनाया गया था क्या सेकंड हाफ में उतना बड़ा डिलीवर करती है मूवी? सीधा जवाब चाहिए तो बिल्कुल नहीं। तुमने खानसार की कहानी बतानी शुरू की और उसमें भी जब वरदराज मन्नार की जान को खतरा था और उसके दुश्मन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की आर्मी को बुला रहे थे, तब वरदराज मन्नार अपने दोस्त देवा को बुला लेते हैं। अब मुझे लगा था कि यार अब तो देवा कुछ करेगा, लेकिन उसके बाद भी मूवी के 15-20 मिनट तक देवा कुछ करता नहीं है। उसके बाद एक सीन आता है जिसमें देवा कैप्टन अमेरिका मोड में आ जाता है और वो सबको मारता है अकेले। अब ऐसा नहीं कि इस मूवी में कुछ अच्छा नहीं था, बल्कि इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर वॉज अमेजिंग। इस मूवी को जितनी बड़ी स्केल पर बनाया गया है वो काबिले तारीफ है और इस मूवी का एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छे लगते हैं। और सेकंड हाफ में मूवी की जो स्टोरी है वो प्रशांत नील ने जिस तरह से चलाई है वो इसे देखने लायक बनाती है, लेकिन मूवी देखते समय तुम्हें ये फील भी होगा कि इस मूवी की स्टोरी को जबरदस्ती थोड़ा स्ट्रेच किया जा रहा है। अब अगर तुम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो तुम्हें ये बात पता होगी कि हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि वो अपनी उग्रम मूवी की स्टोरी को रीटेल करना चाहते थे और इसे बड़ी स्केल पर बनाकर वर्ल्ड वाइड रिलीज करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस करके सालार मूवी को बनाया है। तो क्या सालार मूवी उग्रम से इंस्पायर्ड है? ये बात का जवाब तो हमें कमेंट में ज़रूर देना। खैर, अब आते हैं सालार मूवी पर, क्योंकि इस मूवी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे यार, प्रभास के डायलॉग्स इतने कम क्यों थे? ही इज़ योर प्रोटैगनिस्ट, सबसे ज़्यादा डायलॉग उन्हीं के होने चाहिए। और इस मूवी के कुछ सीन्स मॉन्टाज की तरह फील हो रहे थे, जैसे लग रहा था टीवी पे कोई ऐड आ रहा है। और भाई साहब, मैं वॉइस एक्टर्स की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस मूवी की हिंदी डबिंग वॉज वर्स्ट। मतलब कोई कुछ भी बोले जा रहा है, एनुअल की रस्म का मनाने के लिए मेरे मन में इज्जत बढ़ गई है। इस मूवी को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार इसे तुम सस्ता गेम ऑफ थ्रोन्स भी बोल सकते हो, क्योंकि कहानी खानसार की गद्दी पर बैठने की लड़ाई की तो है, जहाँ सब एक दूसरे को मारने और मरने पर तुले हुए हैं। फाइनली, क्या सालार मूवी देखने लायक है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, स्पेशली अगर तुम KGF 1 KGF 2 के फैंस हो तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड। बट अगर तुम प्रभास को दो दो मिनट तक एक्शन पोज में रुके हुए देखना चाहते हो तो तुम्हें यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए।